Hey guys, this is me, Robbie here. This is me, Azu here. We guys are back with another reaction video. So guys, agar aap log hamare channel par new aaye ho, to jaldi se hamare channel ko subscribe kar lo, Azu Rabi gang join kar lo. Hamara ek vlogging channel hai, uska link description mein hai, usko bhi jaake subscribe kar lo. Chalte hain aaj ki reaction video ki taraf. So guys, aaj hum is video pe reaction dene wale hain. Uski bahut si request aa rahi thi, wo hai aapke North Sentinel Island ke upar. Aur video ka title ye hai, Mystery of North Sentinel Island, the Last Stone Age. Drive in world. तो ये देखते हैं आजकल बहुत इसके चर्चा भी चल रहा है इसका, क्योंकि मैंने सुना है कि कोई बंदा गया था उसके मार दिया गया है वहाँ पर, because वो यहाँ पर आएगा कुछ जा नहीं सकता आराम से, क्योंकि वहाँ पर वो लोग जो रहने वाले हैं वो तंग करते हैं, मार देते हैं. तो देखते हैं, तो क्या, देखते है क्या मिस्ट्री है. नमस्कार दोस्तों, नवंबर 2018 में जॉन एलन चाओ नाम के एक 26 साल के अमेरिकन मिशनरी फैसला करते हैं कि ये इलीगली इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे. इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीस्ट ट्राइब का हिस्सा मानते हैं और ये शायद से दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है, यानी कि इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता है. जॉन एक क्रिश्चियन है और ये इस हद तक ऑब्सेस्ड हो चुके हैं अपने धर्म से कि ये इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना चाहते हैं. तो ये एक पास वाले आइलैंड पर पहुंचकर वहां मौजूद एक लोकल मछुआरे को रिश्वत देते हैं 25,000 रुपए की और उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो उन्हें इस आइलैंड पर छोड़कर आए. 14 नवंबर 2018 की रात को ये इस सफर पर निकलते हैं रात के अंधेरे में, ताकि कोस्ट गार्ड्स इन्हें ना देख लें. अपने साथ ये अपना गोप्रो कैमरा लेकर आए हैं, कुछ कैंचियां हैं, एक कायक है जिसमें बाकी का सफर कर सकें, और कुछ सूखी हुई मछलियां, फुटबॉल और एक बाइबल है जिसे एज ए गिफ्ट दे सके ये इन सेंटिनलीज लोगों. 15 नवंबर की सुबह जैसे ही ये उस आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, ये उस लोकल मछुआरे से कहते हैं कि वो दूर ही वेट करे, ये अपनी कायक निकालकर और करीब जाते हैं. पास पहुंचते ही इन्हें घर दिखता है और कुछ औरतों की बात करने की आवाज आती है. ये अपनी कायक को बीच पर खड़ी करने के लिए तैयार करते हैं कि इन्हें तभी दिखता है दो सेंटिनलीज आदमी अपने हाथ में बो और एरोज लिए एकदम से आते हैं. ये उन्हें देखकर कहते हैं, माय नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू. जीसस क्राइस्ट ने मुझे अथॉरिटी दी है आपके पास आने की, लीजिए मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ. वो दो आदमी तीर को अपने बो में रखते हैं और ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं शूट करने के लिए. जॉन पैनिक में वापस मुड़ जाते हैं. कुछ घंटे बाद ये दोबारा से कोशिश करते हैं, इस बारी ये नॉर्थ शोर पर जाते हैं आइलैंड की. दूर से इन्हें दिखता है कि जमीन पर मौजूद करीब 6 सेंटिनलीज लोग इनकी तरफ देखकर चिल्ला रहे हैं और कुछ बोलने लग रहे हैं. ऑब्वियसली यहाँ पर भाषा किसी को एक दूसरे की समझ में नहीं आती. आज के दिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है दोस्तों जो इन सेंटिनलीज लोगों की भाषा समझ सके, सिवाय उन सेंटिनलीज लोगों के खुद. जॉन को जो भी समझ में आता है ये उसी चीज को वापस दोहराने की कोशिश करते हैं और उनकी तरफ चिल्लाते हैं. वो सेंटिनलीज लोग हंसने लग जाते हैं इन्हें देखकर. जॉन धीरे धीरे और करीब जाते हैं इनके. एक सेफ डिस्टेंस पर रहकर ये इनके लिए जो तोहफे लाए थे उन्हें धीरे धीरे नीचे डालना शुरू करते हैं. इस बारी एक बच्चा और एक यंग लड़की वहां पर खड़ी थी सामने, जिनके हाथ में बो और एरो था. जॉन अपनी कायक से नीचे उतरते हैं और उस बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं. पीछे से एक सेंटिनलीज आदमी उनकी कायक छीन लेता है और ये बाइबल से कुछ चीज समझाने की कोशिश करते हैं उस बच्चे को, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बच्चा जॉन की छाती पर एम करते हुए तीर चला देता है. वो एरो बाय चांस बाइबल की किताब में जाकर लग जाता है और जॉन की जान बच जाती है. एक बार फिर से पैनिक में आकर जॉन वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन इस बारी उनकी कायक भी नहीं है. वो स्विमिंग करके किसी तरीके से वापस बोट तक पहुंचते हैं. रात को जाकर वो अपनी डायरी में लिखते हैं, लॉर्ड इज दिस आइलैंड सेटन्स लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड. क्या ये आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है जहां पर इन लोगों ने जीसस का नाम तक नहीं सुना है. आगे लिखते हैं अपनी डायरी में, मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए, लॉर्ड आई डोंट वॉन्ट टू डाई. लेकिन लॉर्ड को लेकर इनका ऑब्सेशन पागलपंती में बदल चुका था. ये किसी तरीके से अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, यही मेरा मकसद है. 16 नवंबर 2018 अपने परिवार को ये एक चिट्ठी लिखते हैं. अपने माता पिता से कहते हैं कि आपको ये सुनकर लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है जीसस का ये शब्द इन लोगों तक पहुँचाना वर्थ इट है. अगर मेरी जान यहाँ पर चली जाए प्लीज इन लोगों को ब्लेम मत करना. ये लिखकर वो एक बार फिर से बोट लेकर निकल पड़ते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ. इस बारी वो वापस लौट कर नहीं आते. जो लोकल मछुआरा उनको छोड़ने गया था वो दूर से देखता है कि सेंटिनलीज लोग एक बॉडी को बरी करने लग रहे हैं. कपड़े देखकर पता लग जाता है कि ये जॉन एलन चाओ की बॉडी है. The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow-shooting Sentinelese are a constant fear.
क्या ये तीर तलवार युग युग पुराना कोई संदेश तो नहीं दे रहे जिसे शायद आज का इंसान भूल बैठा है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक हिस्सा है। करीब 572 आइलैंड्स है टोटल में इस अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में, जिनमें से सिर्फ 38 में लोग रहते हैं और सिर्फ 12 एक्चुअली में टूरिस्ट के लिए ओपन है। इन सारे आइलैंड्स को 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार। कैपिटल शहर है पोर्ट ब्लेयर जो कि साउथ अंडमान पर है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यहां से सिर्फ करीब 50 किलोमीटर दूर है। यह आइलैंड अपने आप में काफी छोटा है, सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन पूरा जंगलों से भरा हुआ है। यहां रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज बुलाते हैं, लेकिन ये हमने नाम दिया है। हम एक्चुअली में नहीं जानते कि वो ट्राइब अपने आप को क्या कहती है, अपने आप को किस नाम से पुकारती है। माना जाता है कि आज से करीब 70,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से बाहर माइग्रेट किए थे। इसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहा जाता है कि जो पहले मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अफ्रीका से आए हैं, और ये लोग जो आज के दिन सेंटिनलीज आइलैंड पर मौजूद हैं ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं उन लोगों के जो अफ्रीका से माइग्रेट किए थे। ये पहले ग्रुप ऑफ ह्यूमंस एक्चुअली में ईस्ट अफ्रीका से यमन गए, वहां से पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे चल चल के म्यांमार पहुंचे, फिर साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, और इवेंचुअली इन आइलैंड्स पर स्प्रेड किए और ऑस्ट्रेलिया तक गए। इन हजारों सालों के बीच जो ह्यूमंस एक्चुअली में मिडिल ईस्ट, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसी जगहों पर जाकर बसे, वो एक दूसरे से मिक्स इन हो गए, क्योंकि जमीन एक ही थी, इधर से उधर जमीन के जरिए जाना बहुत ही आसान काम था। लेकिन जो ह्यूमंस इन रिमोट आइलैंड्स पर जाकर बसे वहां पर बाकी ह्यूमंस के साथ मिक्स इन नहीं हो पाए और बाकी दुनिया से इतने आइसोलेटेड रहे। नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि आज से करीब 10,000 से लेकर 30,000 साल पहले ये लोग इस आइलैंड पर आए थे और तब से ये आइसोलेटेड रहे हैं, बाकी दुनिया से कट ऑफ रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि इन्होंने खेती करनी कभी सीखी ही नहीं। एग्रीकल्चर का आविष्कार आज से करीब 12,000 साल पहले हुआ था। अब आप ये कह लो कि इन आइलैंड्स पर रहते रहते इन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी खेती करने की, या फिर इन्हें पता ही नहीं कि खेती जैसी कोई चीज भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये आखिरी स्टोन एज ट्राइब है। यानी ऐसे लोग जो आज के दिन भी स्टोन एज के जमाने के लोगों की तरह रहते हैं, एक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी अपने खाने को उगाकर नहीं खाते बल्कि पेड़ से तोड़कर फल खाते हैं, जानवरों की हंटिंग करते हैं और मछलियों की फिशिंग करते हैं और वही इनका खाना है। ये लोग दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब इसलिए हैं क्योंकि आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। जब जब बाहर की दुनिया ने कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है इनके साथ, वायलेंस ही देखने को मिला है ज्यादातर टाइम। हिस्टोरिकली देखा जाए सबसे पुराना रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स का है 2nd century AD से, जब एक रोमन मैथमेटिशियन क्लॉडियस टोलमी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को डिस्क्राइब किया था आइलैंड्स ऑफ कैनिबल्स पुकार के। अब ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने एक्चुअली में सिर्फ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए नहीं दी थी बल्कि पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए दी थी, तो हमें नहीं पता कि कौन सी ट्राइब को रेफर कर रहे थे। इसके बाद साल 673 में एक चाइनीज ट्रैवलर जो सुमात्रा से इंडिया का सफर कर रहे थे, वो भी कहते हैं कि यहां रहने वाले लोग इन आइलैंड्स में कैनिबल्स हैं, यानी इंसानों की मीट खाते हैं यहां रहने वाले लोग। 8th और 9th सेंचुरी में जो अरब ट्रैवलर्स गए थे अंडमान आइलैंड्स पर, उन्होंने भी सेम चीज कही। 11th सेंचुरी में एक मंदिर बना था जिस पर इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी राजा राजा चोला वन के टाइम पर, सेम चीज वहां लिखी गई है कि वो इन आइलैंड्स को अशुद्ध मानते हैं और यहां पर माना जाता है कि कैनिबल्स रहते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बात करी जाए तो इसका पहला रिकॉर्ड मेंशन किया गया है साल 1771 में, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज इस आइलैंड के पास से गुजरता है और वहां मौजूद जो सर्वेयर थे उन्हें इस आइलैंड से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। इसका अगला अकाउंट है साल 1867 में, जब एक इंडियन मर्चेंट शिप जो करीब 100 पैसेंजर्स को लेकर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है इस आइलैंड के शोर पर। जो एक्सीडेंट के सर्वाइवर्स होते हैं उन पर सेंटिनलीज के द्वारा हमला किया जाता है। फॉर्चुनेटली वो बचकर भाग निकलते हैं ब्रिटिश इंडियन रॉयल नेवी की मदद से। ये एक्चुअली में पहला केस था जो हमें देखने को मिलता है जब नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों को अपने आइलैंड से दूर भगाते हैं और उन पर हमला करते हैं। फिर साल 1880 में मॉरिस विडल पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि वो इन सेंटिनलीज लोगों से जाकर मिलने की कोशिश करेंगे, कॉन्टैक्ट बनाएंगे और इन्हें सिविलाइज करने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटिश लोग बाकी अंडमान की ट्राइब से ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके थे, फ्रेंडली कॉन्टैक्ट रहा था और वो उनके साथ बात भी कर पाते थे। तो ये जब इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गए, ये कुछ बाकी जो अंडमानी ट्राइब्स थी उन्हें साथ में लेकर आए उनके लोगों को, ताकि जो सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग होंगे वो कम्युनिकेट कर पाए इनके साथ। पर यहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि बाकी अंडमान ट्राइब्स के जो लोग हैं उनकी भाषा नॉर्थ सेंटिनली ट्राइब से इतनी अलग है कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, बातचीत करना इम्पॉसिबल है। पोर्टमैन को अपने सफर पर एक बुजुर्ग कपल मिलता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर और कुछ 4 बच्चे मिलते हैं।
ये डिसाइड करते हैं उन्हें किडनैप कर लेंगे, अपने साथ ले चलते हैं वापस पोर्ट ब्लेयर में। पता चलता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग इतने सालों से बाकी दुनिया से कट ऑफ थे कि जैसे ही ये बुजुर्ग आदमी और औरत पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं, कुछ ही दिनों बाद इनकी मौत हो जाती है। पोर्टमैन को बच्चों पर तरस आता है ये देखते हुए, और वो बच्चों को वापस उस आइलैंड पर जाकर लौटा देते हैं उन्हें कुछ हाथों में तोहफे देकर। ये चीज बड़ी लाइकली है कि वो बच्चे अपने साथ वापस ऐसे कीटाणु ले गए होंगे जो कम्प्लीटली फॉरन थे उस आइलैंड के लिए, तो वहां जाकर और लोगों को भी इन्फेक्ट किया होगा और लोग भी मारे गए होंगे, ये पॉसिबल है। जो डिजीजेस हमें मॉडर्न जमाने में देखने को मिलते हैं, हमारी बॉडीज में उनके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हुई है क्योंकि सालों भर साल हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडीज ने एक्सपोजर सहा इन डिजीजेस का और इम्यूनिटी डेवलप करी। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले लोग पूरी दुनिया से कट ऑफ थे, इन सारे नए डिजीजेस से कट ऑफ थे, तो इनकी बॉडीज में वो इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई। ये पोर्टमैन वाला इंसिडेंट माना जाता है कि एक बड़ा कारण है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों को लेकर इतना वायलेंट क्यों हो जाते हैं, इतना आइसोलेटेड क्यों रहना चाहते। आजादी के बाद दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने कई एक्सपीडिशंस करी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर। साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने इस आइलैंड को विजिट करने वाले। ये अपने साथ 20 मेंबर की टीम लेकर गए जिसमें साइंटिस्ट थे, आर्म्ड फोर्सेस थी, अनआर्म्ड नेवी पर्सनल्स थे और गवर्नर थे। आइलैंड पर पहुंचकर इनकी टीम ने सेंटिनलीज के फुटप्रिंट्स को फॉलो किया करीब 1 किलोमीटर तक, लेकिन इन्हें कोई लोग नहीं मिले, तो ये टीम वापस चली गई और कुछ पीछे तोहफे छोड़कर चली गई इन लोगों के लिए, जैसे कि कोकोनट्स, पॉट्स और पैंस और बाकी आयरन टू। 1970 में एक ऑफिशियल रिसर्च टीम गई इस आइलैंड पर और उन्होंने एक स्टोन टैबलेट सेटअप किया ये डिक्लेयर करते हुए कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू गया इस आइलैंड पर जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ट्राइब्स के ऊपर। इस फिल्म क्रू के साथ एक बार फिर से त्रिलोकनाथ पंडित मौजूद थे और साथ में कुछ आर्म्ड फोर्सेस भी थी। एक बार फिर से इन लोगों ने तोहफे के तौर पर कुछ कोकोनट्स रखे, कुछ नारियल दिए, एक जिंदा सुअर को भी लेकर गए थे ये कि एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर सके। और ये सारी चीजें इन्होंने शोर पर रख दी और ये फिर थोड़ा सा पीछे हट गए देखने के लिए कि लोकल लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ देर बाद कुछ ट्राइबल लोग बाहर निकल कर आए शोर पर और धनुष और बाण से हमला करने लग गए इन लोगों पर। एक एरो इस बारी एक्चुअली में फिल्म के जो डायरेक्टर थे प्रेम वैद्य, उनकी थाई में जाकर लगा। उन्होंने उस सुअर पर भी हमला कर दिया जो एज अ तोहफा लाया गया था उनके लिए। सुअर को भी मार दिया और उसे सैंड में बरी कर दिया। और ये एक्चुअली में पहली बार था दोस्तों कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को कैमरे पर कैप्चर किया गया। इसके बाद 1970s 1980s में कई अटेम्प्ट्स किए गए त्रिलोकनाथ पंडित के द्वारा, लेकिन हर बार यही होता था। ये छोटी छोटी टीम्स लेकर आइलैंड पर जाते थे, कभी कोई सुअर देते थे, उन पिग्स को हर बार ये ट्राइब के लोग मार देते थे और सैंड में बरी कर देते थे। एक बार उनके लिए एक डॉल छोड़ी थी एज अ गिफ्ट, उसे भी धनुष से मार दिया और उसे भी बरी कर दिया सैंड में। साल 1981 में एक इंसिडेंट हुआ था जब एक मर्चेंट शिप प्राइम रोज नाम से बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, तूफान आया और वो इस आइलैंड पर अटक कर रह गई। एक बार फिर से जो सेंटिनलीज ट्राइब के लोग थे वो आए इन पैसेंजर्स पर हमला करने लगे, लेकिन वेदर कंडीशंस ऐसी थी कि उनके एरोज एक्चुअली में हिट नहीं कर पाए इन लोगों को। थैंकफुली इन लोगों ने डिस्ट्रेस कॉल्स दी, ये किसी ना किसी तरीके से जिंदा बचे रहे इस शिप के पास ही, और एक हफ्ते बाद एक हेलीकॉप्टर ने इन्हें आकर बचा लिया। लेकिन ये घटना नॉर्थ सेंटिनलीज के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि ये वो टाइम था इस ट्राइब के लिए जब इन्होंने आयरन को देखा पहली बार अपनी जिंदगी में। इनकी आंखों में लोहे का आविष्कार हुआ क्योंकि इसके बाद से दोस्तों जब भी नॉर्थ सेंटिनलीज के साथ कोई कांटेक्ट हुआ, देखा गया कि ये लोग अपने धनुष बाण में लोहे का इस्तेमाल करने लग रहे थे और ये लोहा इसी जहाज से आया था, तो इन्होंने किसी तरीके से उस लोहे का इस्तेमाल कर लिया था। और ये जो शिपरेक है ये आज के दिन भी आप गूगल मैप्स पर देख सकते हैं, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नॉर्थ में जाएंगे वहां ये आपको दिखेगा। इसके बाद इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है साल 1991 में। ये वो साल था जब नॉर्थ सेंटिनलीज की तरफ से पहला फ्रेंडली कॉन्टैक्ट देखा गया, पहली बार कोई इनसे मिलने गया और ये वायलेंट नहीं हुए। जनवरी के महीने में एक एक्सपेडिशन लीड की गई थी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये अपनी छोटी सी टीम के साथ आई बिना किसी हथियार के, कोकोनट्स ऑफर किए और इस बारी सेंटिनलीज लोगों ने इन कोकोनट्स को एक्चुअली में ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्क इस बारी ये था कि एक औरत इनसे मिलने आई थी और इससे पहले जितनी भी एक्सपेडिशन हुई थी वो सारे आदमी थे। इस फ्रेंडली कॉन्टैक्ट में एक बड़ी शॉकिंग चीज हुई, ये टीम वापस चली गई थी, अगले दिन फिर से आई इनसे मिलने और इस बारी एक सेंटिनलीज आदमी इन पर धनुष बाण लिए फिर से एम करके खड़ा था। कभी भी शूट कर सकता था इन पर, लेकिन एक सेंटिनलीज औरत साइड से निकल कर आई और उसने उस एरो को पुश डाउन किया ऐसा गेस्चर देते हुए कि मत
मत मारो इन्हें। और फिर उस आदमी ने उस औरत की सुन ली और अपने हथियारों को उसने एक्चुअली में रेत के नीचे दबा दिया। ऐसा होता देखकर एक्सपीडिशन टीम के जो लोग थे वो पहली बार एक्चुअली में जमीन पर आ पाए और अपने हाथों से नारियल को दे पाए सेंटिनलीज लोगों को। करीब एक महीने बाद एक और एक्सपीडिशन हुई जिसमें त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला फिर साथ में गए थे और फिर से हथियार नहीं इस्तेमाल किए सेंटिनलीज लोगों ने। वो अपनी बोट से नीचे उतरे, उन्होंने नारियल को फ्रेंडली तरीके से कलेक्ट कर लिया। लेकिन ये आखिरी बार था जब सेंटिनलीज लोग इतने फ्रेंडली थे बाकी दुनिया को लेकर। साल 1991 के बाद जितनी भी एक्सपेडिशन हुई, जितना भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी गई सेंटिनलीज लोगों को, फिर से वायलेंस ही देखने को मिला। हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उस छोटे से टाइम पीरियड के लिए ये सेंटिनलीज लोग इतने फ्रेंडली हो गए थे और बाद में फिर वायलेंट हो गए। नतीजा ये हुआ कि 1997 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि कोई भी उस आइलैंड पर अब जा सके। सरकार ने भी रियलाइज कर लिया कि कोई पॉइंट नहीं है बार बार कम्युनिकेट करने का उन लोगों से, जब वो खुद ही कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। वो अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं उस आइलैंड पर, उन्हें वैसे ही जी लेने दिया जाए। सरकार की पॉलिसी एक आईज ऑन हैंड्स ऑफ की पॉलिसी थी, मतलब हम नजर रखेंगे उस ट्राइब पर, अगर उन्हें कोई जरूरत पड़े मदद की हम जरूर मदद करेंगे उनकी, लेकिन अपने हाथ दूर रखेंगे उनसे। साल 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आया था बड़ा भयंकर। इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल्स हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड के ऊपर निगरानी करने गए कि कहीं ये आइलैंड डैमेज तो नहीं हो गया या रहने वाले लोग ठीक तो हैं। उस हेलीकॉप्टर पर रिटर्न में एरोस की बारिश होने लगी और अंदर बैठे ऑफिशियल्स ने रियलाइज कर लिया हम पर हमला होने लग रहा है, मतलब ये लोग ठीक है। सुनामी की वजह से आइलैंड करीब 1.5 मीटर से लिफ्ट अप हो गया था और ट्राइब के लोग काफी हेल्दी दिख रहे थे, तो कोई चिंता करने की बात नहीं थी। साल 2006 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जहां पर दो लोकल फिशरमैन गलती से काफी करीब पहुंच गए इस आइलैंड के और सेंटिनलीज लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, उन्हें मार डाला। इसके बाद से सरकार ने डिसाइड किया कि एक 5 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए इस आइलैंड के, ऊपर आना तो छोड़ो 5 किलोमीटर की रेंज में भी कोई नहीं आना चाहिए। सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट वही 2018 वाला इंसिडेंट था जॉन एलन चाओ को लेकर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। ये इंसान बिल्कुल ही पागल तरीके से ऑब्सेस्ड हो गया था क्रिश्चियनिटी को लेकर, जान पूछ कर इस आइलैंड पर गया और मारा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें क्या पता है इन लोगों के बारे में, इन नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के बारे में आज के दिन, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। जॉन ने जो डायरी लिखी थी अपने एक्सपीरियंसेस पर, उसके अकॉर्डिंग इनकी हाइट 5 फीट 3 इंच या 5 फीट 5 इंच से ज्यादा की नहीं है। इसके अलावा जो वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि सेंटिनलीज लोगों के बाल काफी छोटे होते हैं, इनकी स्किन कलर बहुत ही शाइनिंग डार्क है, मसल्स वेल डिफाइंड है, कोई ओबेसिटी का या मैल न्यूट्रिशन का साइन नहीं देखने को मिलता। जॉन की डायरी के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ लोगों के फेस पर येलो पेस्ट चढ़ी हुई थी। इसके अलावा ये कपड़े नहीं पहनते लेकिन अपनी कमर पर, अपनी गर्दन पर और सिर पर कुछ फाइबर के स्ट्रिंग्स जरूर पहनते हैं। औरतें जो है वो ज्यादा पतले फाइबर स्ट्रिंग्स पहनती हैं और आदमी जो है वो थोड़े मोटे वाले बैंड्स पहनते हैं। आदमियों के हाथों में धनुष बाण है और स्पीयर्स जैसे हथियार है। इसके अलावा सेंटिनलीज लोग बोट्स को बनाना जानते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी नैरो कैनूज बनाते हैं जो लकड़ी की बनी होती है और ये इतनी नैरो होती है कि 2 फीट की भी जगह नहीं होती इनके अंदर। हैरानी की बात यह है कि ये लोग ज्यादा क्यूरियस नहीं है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। आमतौर पर इंसानों के अंदर ये क्वालिटी होती है, कह सकते हो कि एटलीस्ट कुछ इंसानों में, कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई जगहों को। जो नियरेस्ट आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास, वो सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है इस, जहां पर और लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी सेंटिनलीज लोगों ने कोशिश नहीं करी उस आइलैंड तक जाने की, कभी अपने आइलैंड के बाहर ज्यादा जगहें घूमने की। खाने की बात करी जाए तो हम इतना जानते हैं कि इन्हें खेती करनी नहीं आती, तो ये एनिमल्स की हंटिंग करके जिंदा रहते हैं, जैसे कि जंगल में सुअर मिल जाते हैं कुछ जंगली, फिशिंग कर लेते हैं ये और टर्टल के एग्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ये फल फूल खा लेते हैं और शहद का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के बारे में, क्योंकि ये किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। त्रिलोकनाथ पंडित अपनी एक एक्सपेडिशन पर एक दूसरे अंडमान के ट्राइब के मेंबर को लेकर गए थे जो ओंगे ट्राइब से थे। वो सेंटिनलीज के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। लेकिन इतना ही नहीं, त्रिलोकनाथ पंडित बताते हैं कि जब वो दूसरे ट्राइब का मेंबर इनके सामने गया तो सेंटिनलीज लोगों को और ज्यादा गुस्सा आने लग गया। जॉन अपनी डायरी में बताते हैं इनकी भाषा को लेकर कि इनकी भाषा में बहुत ज्यादा हाई पिच्ड साउंड्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि बा पा ला और सा। लाइफस्टाइल की बात करी जाए तो सेंटिनलीज 2 अलग-अलग टाइप के हाउसेस में रहते हैं। एक बड़ी हट है जहां पर काफी सारे परिवार एक साथ रह सकते हैं और एक छोटी हट है जहां पर सिर्फ एक ही परिवार रह सकता है। जॉन की डायरी के अकॉर्डिंग करीब 250 लोग इस आइलैंड पर रहते हैं। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टिमेट्स लगाए हैं वो रेंज 50 से लेकर 500 के बीच में है, क्योंकि एग्जैक्टली तो कोई काउंट करके बता नहीं पाया कि कितने लोग हैं, तो यही एस्टिमेट लगाया जाता है। इनके बिहेवियर के बारे में हमें यह पता है कि ये मुर्दा बॉडीज को जंगल में वापस लेकर नहीं जाते, जलाते नहीं है, बल्कि ये बीच पर ही
रेत में दफना देते हैं। बाकी जो पुराने वाले हिस्टोरियंस ने लिखा था, जो सबसे पुराने रिटन रिकॉर्ड्स थे कि यहाँ रहने वाले लोग कैनिबल्स हैं, इंसानों को खाते हैं, ये चीज सच नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर जो लोग इन्हें मिलने आ रहे हैं वो छोटे ग्रुप में है तो उन पर हमला किया जाता है, लेकिन अगर विजिटिंग पार्टी ज्यादा बड़ी है, जैसे कि त्रिलोकनाथ के साथ हुआ था, तो ये छिप जाते हैं जंगल में, उन पर हमला नहीं करते। कई एक्सपीडिशंस में प्रेग्नेंट औरतों को भी देखा गया है, बच्चों को भी देखा गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी पॉपुलेशन है इस आइलैंड पर रहने वाली, वो अपने आप को सस्टेन कर पा रही है। और यहाँ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो शायद इनके बारे में हमें पता चलती है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग सस्टेनेबली रह पा रहे हैं। ये एक ही आइलैंड पर रहते हैं जो छोटा सा है, वहां जंगल को नहीं काटा इन्होंने, नेचर के साथ रहने लग रहे हैं और कोई ओवर पॉपुलेशन नहीं देखने को मिल रही। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि जहां जहां ह्यूमंस की कम्युनिटीज देखी गई हैं, अक्सर वो ओवर पॉपुलेट कर जाती है। अक्सर ये भी होता है कि एक छोटा सा आइलैंड है, कोई जानवर यहाँ पर मौजूद होगा जिसे मारकर खा रहे होंगे, तो वो जानवर एक्सटिंक्ट हो जाए इस आइलैंड पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये नेचर के साथ एक ऐसे सस्टेनेबल तरीके से रह पा रहे हैं जिसमें इंसान एनवायरनमेंट पर हावी नहीं पड़ रहा। आज के दिन कई लोग मानते हैं कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए इनसे कांटेक्ट करने की, हमें इन्हें बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए, जो जो टेक्नोलॉजीज हमने इन्वेंट करी है हम इन्हें लाकर दिखाएं ताकि ये भी उनका फायदा उठा सके, थोड़ी डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन हम भी इन्हें दे दें। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हमें इन्हें दूर ही रखना चाहिए बाहर की दुनिया से, ये अपना खुशी से जी रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, इन्हें आइसोलेटेड ही रखना चाहिए। यहाँ पर आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर मेरी राय पूछोगे, मेरी राय में तो मैं सेकेंड ऑप्शन ही चूज करूंगा। कुछ बड़े कारण है कि क्यों इन्हें आइसोलेटेड रखना ही बेहतर है। पहला रीजन तो यही है कि जब भी ये बाहर की दुनिया से कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो जो डिजीजेस हमारी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, इनके पास उसकी इम्यूनिटी नहीं है, चांसेस यही है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाए। दूसरी और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम, हमने बाकी ट्राइब्स के साथ ऐसा करने की कोशिश करी है और नतीजा हमेशा अच्छा नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जारवा ट्राइब जो है, अंडमान की ही एक ट्राइब है, काफी सालों तक आइसोलेटेड थी, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया था उनके साथ। लेकिन 1970s में जब इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंडली कांटेक्ट बनाने की उनसे कोशिश करी तो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद बाकी दुनिया के बारे में उनको पता चला, नए जमाने से उन्होंने फिट इन करने की कोशिश करी, कुछ जरूर फिट इन कर गए लेकिन ज्यादातर लोग खुश नहीं है। आज के टाइम हमारा जो पैकेज खाना है, कुछ ट्राइब मेंबर्स उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, कुछ जो कर पाए वो मोटे हो गए, ओबीस बन गए, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना नहीं आया, एकदम से इतना सारा खाना मिल गया, इससे पहले उन्हें हंट करना पड़ता था। बाकी अल्कोहल और टोबैको जैसे सब्सटेंसेस से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो इंस्टेंटली एडिक्टेड बन गए, क्योंकि बचपन से वो ग्रो अप नहीं हुए समझते हुए कि ये जो चीजें हैं इनसे दूर रहना चाहिए, ये गलत है। जैसे ही इन्होंने उन नई चीजों को चखा, एकदम से एडिक्टेड हो गए। इसके अलावा जो इनका कल्चर है, जो रहने का तरीका है, जो इनकी भाषा है, जो ट्रेडिशंस हैं इनके, सालों से चले आ रहे हैं, जब ये मॉडर्न सोसाइटी में इंटीग्रेट होंगे तो ये सब लूज आउट कर जाएंगे। बाकी और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ट्राइब्स हैं दोस्तों, उनके साथ यही होने लग रहा है। 1800s में जब ब्रिटिश पहली बार आए थे इन आइलैंड्स को कॉलोनाइज करने के लिए, तब अराउंड 5000 इंडिविजुअल्स थे ग्रेट अंडमानीज ट्राइब के, आज के दिन सिर्फ 41 बचे हैं। तो शायद हमारी जो कोशिश है और इनके साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखने की, वो इनके लिए हानिकारक हो सकती है और इनकी पूरी कम्युनिटी को हमेशा के लिए खत्म करके रख सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया ऐसे ही और वीडियोस चेक। ऑफ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट वीडियो थी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमने कर दी है, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी वीडियो थी जिसके अंदर प्रॉपर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, दुर्गाठी ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया और डिटेल्स बताइए कब से स्टार्ट हुआ और ये क्या सीन है। और ये बहुत एक अचंभे वाली बात है कि अभी तक वो वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि वो दुनिया में किस तरह का कॉन्टैक्ट है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, और वो अभी तक वहाँ पर रह रहे हैं, और जो लोग जाते हैं पे अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया को जो चाहिए कि उनको वहां से इनसे कॉन्टेक्ट करके उनको लेके आए इधर, इन चीजों से वो आ ही नहीं रहे हैं तो वो कैसे लेकर आए। नहीं देखो वो डरते हैं ना, कोई भी जानवर भी हो डरता है। अगर वो इंडिया क्या करेगा, वो कोई भी वहां पर उन्होंने बताया तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं लेकिन वो उनको मार देते हैं, तो अगर वो उनके ऊपर हमला करेंगे नहीं तो वो तो छोटा सा ट्राई तो खत्म हो जाएगा, तो वो उनको कैसे लेकर आए। सिक्योरली वहां से मूव करना बहुत मुश्किल है। देखने वाली चीज है कि दुनिया में भी ऐसी जगह है जो अनडिस्कवर्ड है, ये तो डिस्कवर्ड है ना नॉर्थ सेंट्रल
ये बहुत मिस्टीरियस ये चीज है, मुझे बड़ी हैरानगी हुई है सुनकर कि ये तो एक आप लोगों के सामने इस तरह के पता नहीं और जिसको हमें पता ही नहीं है, हम लोग दुनिया में कोई डिस्कवर कर सका ही नहीं है, और से आयलैंड्स भी हो सकते हैं। जैसे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी बड़ा एक कहा जाता है, वो भी एक आइलैंड है, कहते हैं कि उसके अंदर भी पता नहीं क्या मिस्ट्री है, आज तक किसी को समझ नहीं आई है, हर किसी ने मल्टीपल अपनी अपनी बातें बनाई हुई है। इस तरह से ये जो ट्राइब है ये तो प्रॉपर वहां पर रह रहे हैं और पता भी चल रहा है कि ह्यूमंस हैं, एंड देन वो अफ्रीकन लग रहे हैं जो शक्ल से हम देख रहे हैं वो तो यही फील हो रहा है। तो लेकिन वो इतने उसमें है कि वो किसी को उनको पता ही नहीं है, दे डोंट नो लैंग्वेज क्या होती है, वो क्या जबान बोलते हैं हमें भी नहीं पता। मजे की बात ये है कि अगर उनको हम दुनिया के बारे में नहीं पता तो हम जो इंसान जो हम डेवलप्ड कंट्री में, हमें भी नहीं पता कि वो कैसे कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता उनकी लैंग्वेज क्या, हमें भी उनकी मिस्ट्री नहीं पता, उनके लिए हम मिस्टीरियस है, हमारे लिए वो भी मिस्टीरियस ही है। तो ये एक बहुत मिस्ट्री है, वो उनका अजीब सा सिचुएशन है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये है ना कि बाकी जितने भी और भी आइलैंड से जो डिस्कवर किए गए उसको वो कहते बता रहे थे, और लोग भी घुल मिल के रहना शुरू कर दिया उन्होंने। ऑब्वियसली वो आता है क्योंकि एकदम से ये जो हम तो जो ग्रो किया भी टाइम किया ना, कि पहले जिस तरह हम भी इसी स्टोन एज से निकल के ऐसे ऐसा डेवलप हो गई, इधर पहुंचे, इस तरह पहुंचे हैं, ग्रोथ होती रही है। लेकिन एकदम से टेक्नोलॉजी डायरेक्टली आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी मिल जाए जो पता ही नहीं है, जो कि आज से कई हजारों साल पहले नहीं थी, कुछ था ही नहीं, तो वो तो अभी उसी 10,000 50,000 पुराने के हिसाब से रह रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत पुराने दौर में रह रहे हैं और अब दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, ये लोग चाहकर भी उस चीज को कर सकते हैं, लेकिन फिर टाइम हो सकता है कि इनको एक प्रॉपर जगह दी जाए जहाँ पे आहिस्ता 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 इनको क्या उसके उन चीजों से आशना कराया जाए। लेकिन ये एक चीज जरूर है कि जिस तरह से मिस्टीरियस से कोई एक इंसान इस ट्राइब में से हो जिसके साथ एक फ्रेंडली एक इंसान के साथ कनेक्शन बिल्ड हो, उस एक इंसान को यहाँ से निकाल कर लाया जाए, वो सारी राज और मिस्ट्री सारों को गहरी फैमिली ले गए थे, जो बच्चे थे और माँ बाप थे, तो वो जो माँ बाप थे वो मर गए, वो नहीं कह सकते वहां पर ऑब्वियसली जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पर बीमारियां भी हैं, हमारी तो इम्यूनिटी बन जाती है, हम जर्म्स को कर करके तो वो हमारे तो इम्यूनिटी बन जाती है, वो तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं है ना टेक्नोलॉजी, हमारी तो रेस भी अंदर जा रही है, इन्फ्रारेड भी जा रहा है, हर तरह की रेस भी गुजरती है, वाईफाई भी गुजरती है, और भी हर तरह की रेस गुजरती है, तो हमारी तो बॉडी इम्यून हो चुकी हुई है, लेकिन उनकी तो इम्यूनिटी जीरो थी उस हिसाब से, बिकॉज उन्होंने कभी ऐसी चीज कोई बॉडी ने देखी ही नहीं है। हाँ। तो हमारी तो फिर टाइम डेवलप करती है बॉडी, उनकी बॉडी ने कुछ डेवलप किया ही नहीं हुआ, तो वो मर गए, बच्चे ऑब्वियसली बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो वो बच गए, लेकिन उनको वापस छोड़ रहे थे कि ये भी ना मर जाए कहीं पे, तो वो वापस छोड़ रहे थे उनको, ये बता रहे थे। तो फिर तो मेरे ख्याल से उनको हमें टच नहीं करना चाहिए, दे आर लिविंग हैप्पीली इन दैट। हाँ ये जरूर किया जा सकता है कि उनको कोई चीज चाहिए प्रोवाइड करने के लिए, ऐसे वो दिखाते हैं कोकोनट, ज्यादातर क्या हो सकता है मेनली उन लोगों को फूड या उन लोगों को हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई बीमारी, वो भी नहीं बल्कि वो भी नहीं हो सकती, वो भी नहीं हो सकती, तो खाली फूड ही प्रोवाइड किया जा सकता है मेनली, ठीक है, जैसे जो फ्रेश फूड है, जो फ्रेश फूड जो के कोकोनट हो गया, इस तरह की चीज प्रोसेस नहीं, वही फ्रेश फ्रूट्स फूड जो है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वहाँ तो सिर्फ जगह ना वहाँ नारियल वगैरह उगते होंगे वहाँ पर ना, तो वो कह रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि एग्रीकल्चर भी कुछ चीज होती है, कि आपने कोई आलू उगाने हैं कोई सब्जी, वो तो जो नेचुरली कुछ उग गई वो गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर ज्यादा ज्यादा कोकोनट ही होते हैं और क्या होंगे, केले हो सकते हैं, उगे हो, और मतलब कि जो वहाँ पर उनको इर्द गिर्द जो कुछ भी खाने को मिलता है वो ही खंड करके खाते हैं, उनको वो कुछ वहाँ पे ग्रो नहीं होता कि वो स्पेसिफिक उनकी कोई डाइट है ही नहीं, दे डोंट नो एनीथिंग ना, तो वो तो उसी स्टोनेज में रह रहे हैं और स्टोन से वो अपना लकड़ी भी जलाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, उनका वही हिसाब किताब है, तो उनको जो बेसिक चीजें प्रोवाइड की जा सकती है वो अगर कर दी जाए तो बस वही है, उसके अलावा इन लोगों को आइसोलेटेड और पीसफुल रहने देना चाहिए, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि इनके साथ छेड़ाछाड़ी करना ना भारी पड़ेगा, अभी तक जितने लोग लग रहे हैं उनके लिए भारी रहा है। लेकिन ये ना स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी है, मतलब कि बहुत इन्फॉर्मेटिव और मिस्टीरियस और कुछ नया स्टोरी है, इंटरेस्टिंग एग्जैक्टली, तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर। और आप लोग बताएगा कि आप लोगों का क्या टेक है इस आइलैंड के बारे में और इन लोगों के बारे में, इस ट्राइब के बारे में, आप लोग क्या समझते हैं, आप लोगों का क्या क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए इन लोगों के लिए। तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो, यही था हमारा रिएक्शन, आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा जैसे कि हम लोगों ने एंजॉय किया है। अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।